स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सूबे के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य के साथ साथ उनके लिए योजनाओं की सौगात दी है। क्या है ये सौगात, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 3 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के गुस्से का अब पश्चिम यूपी के इलाके में बीजेपी नेताओं को भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सूबे के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ साथ उनके लिए कई योजनाओं की सौगात दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सूबे की योगी सरकार ने किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्त वर्ष 2021 से लेकर 2022 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए का मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा गया है। योगी सरकार ने सूबे में रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 2022 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों के लिए 5 लाख का बीमा बंटाई किसान भी योजना में शामिल है। दरअसल योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। यही वजह रही कि योगी सरकार बजट के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने की कवायद करती दिखी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीटीडी न्यूज़। नमस्कार।